Hello students and welcome back to bankexamshotter.com. My name is Ramandeep Singh, and today we are going to do RBI circulars for the month of January 2024. So, my pura ye analysis kar chuka in the course. There's a 25 minutes video, and today I'm going to do the MCQs. And I'm going to post the MCQs on the YouTube. These questions are very, very important for your exam. Okay, so you're going to appear on Sunday. So, these questions are very important for you. Uh, my name is Ramandeep Singh, and I've been teaching on bank exams today from last 12 years. And Bank of Baroda Scale 3 Crash Course is available on bankexamstoday.com. 7 days crash course if you have time today. And if you have time you can do it. Right? Question number 1 uh, What is the new bulk deposit limit for scheduled urban cooperative banks? UCB means urban cooperative banks. <coughs> See, if you. वेन यू डू एफ डीज आप टर्म डिपॉजिट या फिक्स डिपॉजिट जब करवाते हो देर आर टू वेज बाई विच बैंक्स कैन डिफरेंशिएट इंटरेस्ट रेट्स अलग अलग इंटरेस्ट रेट जो हैं एक तो टेन या बेसिस पे इट्स अ वन ईयर एफ डी थर्टीन मंथ एफ डी टू ईयर एफ डी फाइव ईयर एफ डी एंड सेकेंड द अमाउंट अप टू वन करोर दिस इज़ द इंटरेस्ट रेट मोर देन वन करोर दिस इज़ द इंटरेस्ट रेट राइट सो द डेफिनेशन ऑफ़ दैट बल्क डिपॉजिट फॉर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक टीयर थ्री एंड टीयर फॉर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक आई होप यू आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ टीयर्स ऑफ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जो खुला क्लासीफिकेशन है तीन साल पुराना सर्कुलर है ढाई तीन साल पुराना तो वह भी दो बाहर आनी पड़ेंगे अकॉर्डिंग टू द डिपॉजिट साइज एंड एसेट साइज अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को टीयर्स में बांटा गया है वाई दे हैव डन दैट ताकि जो भी गाइडलाइंस आती हैं दैट इज अकॉर्डिंग टू द टीयर्स आगे गाइडलाइन आएगी वो अकॉर्डिंग टू टीयर ही है ओके सो एज पर आर बी आई द बल्क डिपॉजिट जो लिमिट है दैट इज वन करोर इट यूज टू बी फिफ्टीन लैक्स बट फॉर टीयर थ्री एंड टीयर फोर यू सी बीज नाउ इट इज वन ऑल द क्वेश्चन आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस वन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट अंडर द रिवाइज आर बी आई गाइडलाइंस अ सेविंग अकाउंट बिकम्स इन ऑपरेटिव आफ्टर इन एक्टिविटी फॉर टू ईयर्स इफ़ यू हैव अ सेविंग बैंक अकाउंट जिसमें कोई ट्रांजेक्शन नहीं है वे देर इज नो ट्रांजेक्शन कस्टमर इंड्यूज ट्रांजेक्शन यू आर डिपोजिटिंग मनी यो आर सेल्फ यू आर मेकिंग अ विदड्रॉल यू आर राइटिंग अ चेक सो दो हजार कस्टमर इंड्यूज ट्रांजेक्शन कस्टमर खुद ट्रांजेक्शन करता है

For the classification of an account as an inoperative account, that is customer's induced transaction. Okay. And what is the name of the fund maintained by RBI where unclaimed deposits are transferred after 10 years of inactivity? Depositors Education and Awareness Fund. That is the RBI's fund. Okay, wahan pe dena padega after 10 years. Minimum credit rating required by the issuer.

द मिनिम टेन एवर ऑफ अ सी पी इज सेवन डेज ओके मैक्सिमम टेन ऑवर ऑफ एन सी डी इज़ नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर इज़ वन ईयर ओके इज इट अलाउड टू इशू सी पी और एन एन सी डी विद ऑप्शन नो यू कैनॉट डू दैट कोई ऑप्शन नहीं दे सकते आप हाउ लॉन्ग अ सी पी और एन सी डी मस्ट बी सेटल आफ्टर द डील डेट इट इज़ टी प्लस फोर वर्किंग डेज टी मीन्स डी डी डील डेट ओके चार दिन के अंदर अंदर आपको जो है उसको सेटल करना पड़ेगा मिनिमम डिनोमिनेशन इन विच सी पीज एंड एन सी डीज़ कमर्शियल पेपर्स नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स थोड़ा सा देख लें द मिनिमम डिनोमिनेशन इज़ फाइव लाख रुपीज़ फाइव लाख रुपीज़ इज़ द मिनिमम डिनोमिनेशन देन इन द मल्टीपल ऑफ फाइव लाख पाँच लाख दस लाख पंद्रह लाख ऐसे आप इन्वेस्ट कर सकते हो राइट इंक्रीमेंट इज़ फाइव लैक्स इन मल्टीपल्स ऑफ फाइव लैक्स एज पर द आर बी आई गाइडलाइंस ऑन क्रेडिट इन्वेस्टमेंट लिमिट्स आई होप यू आर अवेयर ऑफ लार्ज एक्सपोजर फ्रेमवर्क दैट इज फॉर एन बी एफ सीज अपर लेयर फॉर मिडल लेयर एंड लोअर एंड द बेस लेयर यहाँ पे क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉन्सेंट्रेशन नॉर्म्स लागू होते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्रेडिट रिस्क ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट पर्सनल गारंटी वॉट डू यू मीन बाय क्रेडिट रिस्क ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट सी स्टूडेंट्स क्रेडिट रिस्क ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट जैसे कैश सेंट्रल गवर्नमेंट गारंटी स्टेट गवर्नमेंट गारंटीज़ इससे जो है एन uh, अपना रिस्क ट्रांसफर कर सकती हैं रिस्क अपना क्रेडिट डिफॉल्ट रिस्क ट्रांसफर कर सकती हैं सो दैट दे कैन लेंड मोर ओके सो अपना ऑफसेट करते हैं अपना क्रेडिट डिफॉल्ट रिस्क इन इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से ओके वट इज द मैक्सिमम टेन्योर फॉर विच एन ऑडिट फर्म कैन बी अ वेरी इंपॉर्टेंट सर्कुलर वट इज अ मैक्सम टेन फॉर विच एन ऑडिट फॉर्म कैन भी अपॉइंटेड पहले एक साल के लिए अपॉइंट होता है उसके बाद दो साल के लिए और अपॉइंट कर सकते हैं टोटल थ्री ईयर ओके आफ्टर थ्री ईयर्स देर इज अ कूलिंग ऑफ पीरियड ऑफ टू टेन आवर छः साल तक उसको सेम को हायर नहीं कर सकते सो फॉर थ्री ईयर्स यू हायर आ स्टेचरी ऑडिटर ओके नाबार्ड मेक्स अ लिस्ट नाबार्ड गेट द लिस्ट फ्रॉम आई सी आई चार्ट अकाउंटेंसी इंस्टीट्यूट से दे गेट द लिस्ट Uh, and then NABARD is going to uh, check the uh, make the proper list minimum criteria satisfy they are going to make the list and then central state cooperative banks are going to get that list and they are going to select their statutory auditor okay so che uh, years. ka there is a cooling off period once a statutory auditor has been appointed for a period of three years then the same cannot be appointed for next six years okay वॉट इज द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ टी एर वन कैपिटल एन अर्बन कॉपरेटिव बैंक कैन लैंड टू अल एज पर मास्टर यहाँ पे लिखना चाहिए था फिफ्टीन परसेंट ऑफ इट्स टी आर वन कैपिटल लिखा हुआ है वैसे तो टोटल एक्सपोजर ऑफ एन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक टू अ रियल इस्टेट कमर्शियल रियल इस्टेट लोन इज कैप्ड एट टेन परसेंट फाइव परसेंट एडिशनल फॉर इंडिविजुअल हाउसिंग लोन फाइव परसेंट एडिशनल फॉर इंडिविजुअल 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 हाउसिंग लोन इंडिविजुअल होम लोन होम लोन उसका फाइव परसेंट एडिशनल है वेयर वैल्यू ऑफ ऑफ लोन इज लेस देन ट्वेंटी फाइव लैख ट्वेंटी फाइव लाख रुपीज ट्वेंटी फाइव रुपीस, रुपीज ओके एग्रीगेट सीलिंग फॉर अनसिक्योर्ड एडवांसेस एज अ परसेंटेज ऑफ डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज टेन परसेंट अन्योर्ड लोन इतना ही दे सकते हैं यूसीबीज आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम लेंडिंग मनी अगेंस्ट इट्स ओन शेयर्स, ओके सैलरी अर्नर्स यूसीबी आर नॉट अलाउड टू गिव टू गिव टर्म डिपॉजिट टू एडवांस टू इट्स नॉन ओके यू सी बीज आर प्रोहिबिटेड फॉर ग्रांडेड ब्रिज लोन्स एंड इंटीरियर फाइनेंस सबको ही ब्रिज लोन नहीं दे सकते ये एंड एक और इंपॉर्टेंट है अपने डायरेक्टर्स को लोन नहीं दे सकते यू सी बीज कै नॉट गिव लोन टू इट्स ओन डायरेक्टर्स सो स्टूडेंट डिटेल में आई हैव डन दर्कुलर इन द कॉस Uh, काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिसिंग है मेरे हिसाब से सारे क्वेश्चंस नहीं बन सकते राइट लिंक टू जॉइन द कॉस इज अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन दिस इज द वन वीकस यू हैव टाइम टुडे यू हैव टाइम टुमारो आज कल परसों आप आई uh, गेस शुक्रवार और शनिवार राइट right? दो दिन आप पढ़ें एंड देन ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी जस्ट गो फॉर इट अच्छे से पढ़ें एंड देन दे फॉर द एग्जाम आई एम डैम श्योर देर विल बी अ लॉट ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम आर बी सर्कुलर इवन इन एस बे सी बो रिसली आई हैव सीन द पेपर देवर आर लॉट ऑफ क्वेश्चन प्लीज़ डू दिस अलॉग विद नेगोशियेबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आई आर एस इन नॉम्स ये तीनों आप पक्का करके जाएँ इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं ओके प्लीज डू दैट एंड बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अगर आप सेक्शन याद कर सकते हैं तो जरूर करके जाएँ ठीक है एंड दैट्स आल फॉर टुडे स्टूडेंट्स आई होप यू लाइक द टुडे सेशन इफ देर इज एनी डाउट यू कैन आस्क मी लिस्ट ऑफ आर सक्सेसफुल स्टूडेंट्स ऑल दिस स्टूडेंट्स ए टू का कोर्सिस इन द पास एंड द क्रैक द रिस्पेक्टिव एग्जाम्स एंड आई रियल रियली हैप्पी फॉर दैम If there is any doubt in your mind, you got my WhatsApp number 9067201000. You can WhatsApp me This is my WhatsApp number. In case of any doubt in your mind, drop me a WhatsApp message and I'm going to answer your doubts. And that's all for today, students. Thank you and have a very nice day. Bye-bye.